दो दिन के कौशल महोत्सव की शुरुआत आज से लखनऊ के कालविन तालुकेदार मैदान में हुई। इसका आयोजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र और बीजेपी के युवा नेता नीरज सिंह ने किया है। और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम कंपनियाँ हैं वो लखनऊ के इस मैदान में जमा हुई हैं और कोशिश इस बात की जा रही है कि कम से कम 50,000 लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जाए। लगातार बीजेपी युवाओं को रोजगार देकर के उसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इससे पहले स्वास्थ्य मेले का भी आयोजन किया गया था, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया गया। ये कहा गया कि लाखों की संख्या में रोजगार मिलेगा, लेकिन आज जो लखनऊ के मैदान में जिस तरीके का आयोजन किया गया, हम खुद ही बात कर लेते हैं नीरज सिंह जी से। नीरज जी, ये कितनी कंपनियाँ इस यहाँ पर आई हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और किस किस क्षेत्र में रोजगार मिलेगा? देखिए, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, लखनऊ के इतिहास में ही नहीं, पूरे भारत के इतिहास में यह आज का दिवस जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। 112 इस देश की नामचीन कंपनियां यहां पर आई हुई हैं, जिनके माध्यम से 51,927 वैकेंसियां इन कंपनियों ने जनरेट करी है और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री उत्तर प्रदेश है, उन सब के माध्यम से हज़ारों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वॉकिन के माध्यम से यहाँ पर अभ्यर्थी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी युवा यहाँ आ रहा है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म उन्हें मिल रहा है और इसके माध्यम से वो अपने जीवन में खुशहाली ला सकेंगे, अपना सशक्तिकरण का यह माध्यम रोजगार मेला उनके लिए बनेगा। ये पूछना चाह रहा था कि जो यहाँ पर रोजगार जो मिलेंगे वो अभी तत्काल यहाँ पर रोजगार दिए जाएंगे या आज इंटरव्यू होकर के बाद में इनको रोजगार? देखिए, ये पूरा का पूरा लखनऊ कौशल महोत्सव या रोजगार मेला बिल्कुल निःशुल्क है, इसके किसी तरह के कोई चार्जेज नहीं है और जो भी युवा आ रहा है उसका यहीं पर बगल में इंटरव्यू हो रहा है। आप देख सकेंगे कि इंटरव्यू यहाँ पर कंपनियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, वो इंटरव्यू कर रही हैं और यहीं पर उनको ऑफर लेटर भी मिलेगा। कल हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में होंगे, जो उन्होंने इस उत्तर प्रदेश का विकास किया है, 35 लाख करोड़ की यहाँ पर MOU साइन हुए GIS में, करीबन 18,000 से ज़्यादा देश विदेश की कंपनियाँ आई। हमने इसे उत्तर प्रदेश की धरती पर मुकेश अंबानी से लेकर आनंद महिंद्रा से लेकर बड़े बड़े यहाँ के उद्योगपति देखें, आज बदले हुए परिदृश्य में उत्तर प्रदेश के जो युवा यहाँ पर रोजगार लेकर जाएंगे, उनको रोजगार का वो सर्टिफिकेट देने के लिए स्वयं हमारे योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इस जब मेले का समापन करेंगे, उस वक्त 50,000 के करीब लोगों को रोजगार मिल चुका होगा, यानी 50,000 वो युवा जो बेरोजगार है, जिनको रोजगार की तलाश थी, वो इस मेले के माध्यम से रोजगार पा जाएंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।